सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ हेमंत और स्वागत है आपका सौर घाटी पिथौरागढ़ से। तो गाइस आज पहाड़ों का व्यू कुछ इस टाइप का है, धूप खिली है पहाड़ में, कल तक तो बादल लगे थे। इस बार गाइस आंवले के पेड़ पे खूब सारा फल आया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस आज हमारे घर में एक खुशखबरी आ रखी है, हमारी राधा की आज लड़की हो रखी है। तो लड़की कैसी हो रखी है मैं दिखाता हूँ आपको। सुबह से काफ़ी ज़्यादा हम उसी के पीछे लगे थे, तो अभी मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम हो रखा है, तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। क्यूट सी लड़की हो रखी है, तो चलो गाइस दिखाता हूँ आपको। राधा सो गाइस ये हमारी राधा, आज हमारी राधा का हो रखा है बेबी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस हमारी सुंदर सी बेबी, राधा की लड़की, चिन्नु मुन्नु सा। तो गाइस कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या रखा जाए। हेलो गाइस एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के साथ। गाइस मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, कल का बहुत काम हो गया था घर पे, गाय भी आ गई थी तो उसी में लग गए थे हम सब। तो गाय आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर को, जहाँ पहले गांव में श्रमदान किया था, गांव की महिलाओं द्वारा रास्ता बनाया गया था, उसमें कुछ गिफ्ट पैकेज दिए जा रहे हैं गुंज संस्था द्वारा। तो अभी देखते हैं, मैं भी चलता हूँ वहाँ, क्या क्या होता है। ब्लॉग के साथ बने रहे हैं तो गाय चलते हैं। गाय आप देख सकते हैं इतने लोगों ने काम किया था रास्ता बनाने में, तो सभी लोग जा रहे हैं, अभी सभी को मिलेगा एक पैकेज, सभी को नाम, जिन जिन के नाम होंगे 45 या 44 नाम कुछ ऐसे थे, सभी लोगों को मिलेगा। तो गाइस उस टाइम पे बोला था मैंने कि जब आगे किट, जो भी इनको गिफ्ट पैकेज मिलेगा, मैं आगे का ब्लॉग भी बनाऊंगा, तो तभी अभी मैं यहाँ ब्लॉग बनाने आया हूँ। तो अभी देखते हैं, ये जिसका लिस्ट में नाम होगा उसी को मिलेगा। वहाँ पर लिस्ट में तो 44 या 45 नाम थे, मैंने ब्लॉग में ऐड किया था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, एक गूंज संस्था के यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है इनके बीच में पहुंच चुका हूँ। ये किट वितरण करेंगे यहाँ पे, ये महिलाएं हैं, इन्होंने सबने वहाँ रास्ते की साफ सफाई और खड़ंचा बनाया था। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं, भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद टमटा है और मैं बेनाक का रहने वाला हूँ। गूंज संस्था में मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, कौन कौन सी जगह पे देते हो आप ये सब? हम लोग एटलीस्ट सभी जगह को देते हैं, जहाँ पे लाखों जरूरतमंद लोग होते हैं वहाँ पे हम लोग श्रमदान करते हैं, श्रमदान के बदले हमें ये सामान देते हैं, पुरस्कार देते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो गाइज आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी गाड़ी भर के आई है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इनको गिफ्ट पैकेज वितरण कर रही है गूंज संस्था। सो गाइस सबको मिल चुका है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे गूंज संस्था ने, यहाँ पे भैया लोगों ने किट वितरण कर दिया इनको, सबको गिफ्ट गिफ्ट मिल चुका है। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। आप तो अभी अल्मोड़ा से आए हो, तो कैसा लग रहा है, गांव में पहली बार देख रहे हो गए सब? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा गाइस मैं पहुंच चुका था घर दिन में, मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं सीधे घर पे आ गया था वहाँ से, जहाँ पे गिफ्ट मिल रहे थे सबको काम करके, वहाँ पे महिलाओं को जो गूंज संस्था दे रही थी। काफ़ी अच्छा सामान मिला इस बार, साबुन वाबुन और मच्छरदानी, काफ़ी यूजफुल सामान है इस बार जो गूंज संस्था ने दे रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर दुकान पे। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने, लगभग आज पहली बार मैं प्लास्टिक के बल्ले से खेल रहा हूँ, कैसे शॉट लगती है इससे। यहाँ पे है भाई, पहली बार पकड़ा है मैंने प्लास्टिक का बल्ला हाथ में, आज देखते हैं, चलना ट्राई करते हैं कैसी लगती है।
तो कुछ इस टाइप का है हमारा फील्ड। फील्ड क्या है, पीछे थोड़ा सा वॉलीबॉल ग्राउंड है, इसी में खेलते हैं। नीचे को तो एक नौला है, इधर पे एक पीपल का पेड़ है। खेलने के लिए कुछ नहीं, खाली शाम के टाइम पे एक थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। बोला अभी गोपाल आया खेलने, मीसो से एक बल्ला ले रखा गोपाल ने, चलो देखते हैं। और 6 ओवर की है यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं स्लीप में लगा हूँ यहाँ पे। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, पहली बॉल का सामना करेगा यहाँ पे गोपाल। ओ पहली बॉल में ही आउट, पहली बॉल में ही जाना पड़ा गोपाल को। तो आप दूसरा बैट्समैन आता हुआ यहाँ पे देखते हैं। चलो बॉलर अगली बॉल का बैट्समैन अगली बॉल का सामना करता हुआ यहाँ पे और एम्पायर हनुमा क्या बोलते हैं गोपाल जाता हुआ और नेक्स्ट बॉल यहाँ पे कैच होने की पूरी संभावना थी पर यहाँ पे और यहाँ पे रन आउट होने का चांस भी है पर बॉल नीचे गधेरे में जा चुकी है। गधेरे से यहाँ पे फील्ड करते हुए खुद ही बॉलर गए हैं यहाँ पे फील्ड करने के लिए और बॉल ऊपर चली गई है। एक रन की संभावना फिर से बन रही थी यहाँ पर रन नहीं लिया, यहाँ पे 2 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा बैट्समैन को। तो 3 रन ले लिए यहाँ पे बैट्समैन का कहना है और नीचे के 2 फील्डर पता नहीं सोए थे क्या कर रहे थे, नींद में थे। यहाँ वहां से बॉलर पहुंच गया था नीचे फील्ड करने मिड ऑफ की दिशा में और बैट्समैन खेलना चाहता मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए बाज के पेड़ के ऊपर से। ओ यहाँ पे फिर से बॉल मिस होते हुए और यहाँ पे पहाड़ी क्रिकेट चलता हुआ बॉलर परबिलियन एंड से बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं और शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पे बैट्समैन चूके और बैट्समैन अड़िया कड़िया घुमा रहे हैं यहाँ पे आंख बंद करके पर बैट में आई नहीं इनकी बॉल। फिर से बॉलिंग का भार संभाले हुए हैं लक्की, हाफ बॉल ही थी अभी बॉल, ये जा सकता था ऊपर डन में पर नहीं पहुंचा पाया बैट्समैन डन में और बढ़िया शॉट यहाँ पे प्लास्टिक के बल्ले से और फील्डर काफी ज्यादा कमजोर है और कीपर मुस्तैद हो रखा है यहाँ पे। सो गाइज लक्की बॉलिंग करता हुआ और लक्की बैटिंग करता हुआ, दोनों लक्की लक्की, एक बॉलिंग कर रहा है एक बैटिंग कर रहा है। ओ यहाँ पे कैच आता हुआ खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया है 2 रन के लिए, क्या पता 3 रन के लिए। दोनों खिलाड़ी यहाँ पे टकराते हुए, यहाँ पे रन आउट होने के पूरे चांस थे और 3रा रन की भी संभावना यहाँ पे मिस थ्रो। और यहाँ पे 8 रन हो चुके हैं और यहाँ पे दोनों कप्तानों के यहाँ पे बीट लगी है ऐसा लग रहा है मेरे को। और बढ़िया शॉट यहाँ पे खेल दिया है 4 रन के लिए और यहाँ पे बढ़िया शॉट मारा बैट्समैन ने 4 रन के लिए खेल दिया है। पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे। तो अभी लास्ट में फिर दिखाता हूँ, मैं भी यहाँ पे फील्डर हूँ, ज्यादा यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। कैसा लगा तुमको मैच खेल के? बढ़िया, मजा आ गया प्लास्टिक के बल्ले से। सो गाइस हमें यहाँ पे कितने मैच जीत गए हैं, हमें यहाँ पे कितने मैच जीत गए? 2 मैच जीत गए, एक ही जीते, 2 हम जीते। तो फिर गाइस हम कल मिलते हैं, ठीक है? बिल्कुल, कल से हम दूसरे फील्ड में जाएंगे, कल से टीम लेके जाएंगे। हाँ तो आपको हमारा पहाड़ी मैच कैसा लगा जरूर बताना, ये बाजाणी के जंगल में। बिल्कुल बिल्कुल, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।